players, we want your cooperation to run this tournament successfully. And now we are watching the semi-final match between Junior Adivasi Boys Club AIFC. आज जो भी टीम सेमीफाइनल में जीतेगी वह टीम कल के विजेता टीम से उनका मुकाबला होगा। जिस तरह से हम लोगों ने 32 टीम इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है और 32 टीम को हम लोगों ने दो भागों में बांटा है, ग्रुप ए और ग्रुप बी, जो कि खेला जा रहा है 14 अगस्त और 15 अगस्त को खेला जाएगा। और इस तरह से आज के ग्रुप ए में कुल 16 मैचेस खेले गए हैं और उनमें से आज जूनियर आदिवासी बॉयज क्लब जगन्नाथपुर और कोलाबरी एफसी की टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। और मैं सभी उन टीमों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस टूर्नामेंट में हमें और अच्छा हो सके एक पहल मिला है कोलाबरी एफसी को। और ये फॉल मिला है जगन्नाथपुर को। बहुत ही शानदार मैच दोनों टीमों के द्वारा और दोनों ही टीम का प्रयास रहेगा कि अगले फाइनल में जाने के लिए, जबकि कोलाबरी एफसी की टीम उनका भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है बाकी टीमों में और निश्चित तौर पर जगन्नाथपुर की टीम जो है उनका भी बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन रहा है और दोनों ही टीम काफी संघर्ष करते हुए जूझते हुए आज इस सेमीफाइनल तक पहुंची है और दोनों ही टीम का प्रयास रहेगा कि कल के जो विजेता टीम है उसका मुकाबला के लिए वो क्वालिफाई करे और आज जो भी टीम क्वालिफाई करेगी जीतेगी वो सीधे फाइनल में चली जाएगी। पीला जर्सी में जगन्नाथपुर की टीम है और लाल जर्सी में कोलाबरी एफसी की टीम है और अभी तक दोनों ही टीमें 0-0 पर है। लेकिन हालांकि अभी तक दोनों ही टीम के पास काफी समय बचा हुआ है एक दूसरे को फाइनल में साबित करने के लिए। जगन्नाथपुर को एक फाउल मिला है और ये देखना है कि इस फाउल को ये गोल में परिवर्तित कर पाते हैं या नहीं। और ये गोलपोस्ट से थोड़ा ऊपर क्योंकि ये सेमीफाइनल मैच है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है तो प्लेयर्स को बहुत ही नाप तोल करके जो है शूटिंग लेना है और बहुत ही अच्छे खेल का प्रदर्शन करना है। और यहाँ देखिए कोला बढ़िया कोई जगन्नाथपुर के स्टार प्लेयर विमल मुर्मू जी अपनी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाने तक उनका बहुत बड़ा योगदान है और आज दिखना होगा कि विमल मुर्मू जी अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा पाते हैं या नहीं।
और पुनः आप सभी फुटबॉल के दीवानों का, फुटबॉल के प्रशंसकों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए इस माहौल में स्वागत करूंगा। ये बेहतरीन माहौल कही जाएगी, लगभग मैदान के चारों तरफ खचाखच भरे के लहर में गोता खाने के लिए हमारे हर एक दर्शक यहाँ तैयार खड़े हैं। जबकि ये मैच छोटे नहीं बल्कि बहुत ही बड़े हैं। आखिरी मैच चली है प्रथम दिन का, जहां खेल रहे हैं कोलाबरिया और आदिवासी जूनियर। मैच अभी भी बराबरी पर, पहली गोल की यहाँ पे दोनों दल के कप्तान इच्छा प्रकट करते हुए, मगर उतना आसान नहीं होगा। दोनों ही दलें कई दलों को शिकस्त देते हुए इस मुकाम को हासिल किया है, तो फिर दोनों दलों के लिए आसान नहीं होगा। बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन किया है मुन्ना पाटर ने, दो गोल उनके खाते में है। व्यक्तिगत स्कोर अगर देखे जाए तो फिर दो गोल उनके खाते में यहाँ पे मौका बना सकते हैं कोलाबरिया। 14 नंबर के खिलाड़ी बायां पैर से शूटिंग किया मगर टारगेट पर रखने में असफल। ये फुटबॉल का महाकुंभ, फुटबॉल का महासमर फाइव स्टार कुतुबी के आयोजन में, और ये तालमेल को दाद देनी पड़ेगी। मगर यहाँ जो सबसे अनुभवी खिलाड़ी विमल मांडी गेंद को नियंत्रित नहीं कर पाए और अफसोस जाहिर करते हुए कि हम विमल मांडी जी। और इस बीच आधा समय समाप्त हो चुका है और आधी समय दोनों के लिए है, और इस बार कुछ निश्चित रूप से टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं, हार का सामना करना पड़ता है। अर्थात एक ही सिक्के के दो पहलू होती है, कभी हेड तो कभी टेल, कभी पास तो कभी फेल, कभी खुशी कभी गम, कभी ज्यादा कभी कम। और जो भी दल जीत हासिल करते हैं वो मुस्कुराने लगता है, और जो भी दल हार जाती है उसकी आंखें हो जाती है नम। मगर यहाँ देखना होगा इन बड़े दलों में किसका होगा कितना दम। ऐसे क्रम में एक मौका बनाते हुए जूनियर आदिवासी, मगर बेहतरीन एंटीसिपेशन यहाँ पे कोलाबरिया की तरफ से। रास्ता अवरोध किया गया कोलाबरिया के खिलाड़ी के द्वारा, अन्यथा यहाँ पे खतरे के संकेत दिख रही थी। इमाचे चारों दिखे अपना नजर दीबें, चारों दिखे सबूज। हम सभी इस हरियाली के बीच मैच का लुत्फ उठा रहे हैं और ये मजा ही कुछ अलग होता है। हर एक दर्शक की निगाहें इस मैच पर गड़ी है, हर मैच का, हर क्षमा चाहूंगा, हर दृश्य का अपडेट वो रखते हुए। और ये 10 नंबर काफी प्रभावित किया है अपने नेचुरल खेल से, कोलाबरिया के 10 नंबर के खिलाड़ी। बहुत अच्छी जगह में गेंद इस बार 10 नंबर के खिलाड़ी बुधवेश्वर, उसके खाते में भी दो गोल है। जमीनी पास इस बार दिनेश के लिए, दिनेश गेंद को आगे बढ़ा है, खतरे के संकेत। अगर शूटिंग हुआ तो फिर खतरा होगा, मगर डरी मत रही कि इस बार किसी तरह रोका गया है, अन्यथा 20 नंबर जूनियर आदिवासी, जूनियर एबीसी के लिए हमेशा विपक्षी दलों के लिए खतरा साबित हुआ है। और एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल चुकी है, इस अपॉर्चुनिटी को फिर से फायदे में तब्दील करना चाहेंगे और लंबे कद का फायदा उठाते हुए मुन्ना पाटर। मगर इसी कड़ी में गोल रक्षक भी बहुत अच्छी जगह पर गए हैं, इस बार
मगर डिफेंडर अपना उच्च कोटि का प्रदर्शन करते हुए दूर से प्रयास हुई इस बार। आज के विजेता बनने के लिए दोनों दलों के कप्तान कुछ अलग रणनीति तैयार किए होंगे और उसी के तहत आगे बढ़ते होंगे, मगर जिस अंदाज में आगे बढ़ने का प्रयास हो रहा है वो अंदाज अब तक रास नहीं आई है हमारे दर्शकों को। और हमारे दर्शकों को जितने भी तारीफ की जाए उतना ही कम होगा। जो अनुशासन को बरकरार रखा है, अनुशासन का पालन किया है, आप इस टूर्नामेंट के लिए बहुत बड़ी योगदान करता है। आपका सहयोग ना हो तो फिर ये प्रोग्राम में बिल्कुल मायूसी छाएगी। इन एंडिंग पोजिशन और दिस इज द लास्ट मैच ऑफ फर्स्ट डे ऑफ बिटवीन जगन्नाथपुर जूनियर एंड कोलाबरी आपसी आज आर इज द बिग अपॉर्चुनिटी बट बिग चैलेंज हियर विज बिग पर्टिकुलर चैलेंज हियर। So audience, please get the idea that I got the 7% join this fantastic first day's last match. सर हाँ जो लेकर खेलवान आप लोग बता रहे टीम ऑल मार्डी लैगा पाटा बॉल के ले लीजिएगा साउथ इन खेलो नियर सूर्य मेरा गिरा बॉल के लाया का नोटे सुजो हो जा रहे हैं पांच आए एको ताक और का जो बना दो लेकिन सिर से बनार पाटा गोल पोस्ट ये लोग करना झाक झाक अनु अमूत रे पाए आए एको ना पाए कोई ताक मैंने बड़ा जो का था नो टूर्नामेंट रे सिर्फ मिना का पूरा पूरी आधा लाख जो जो पड़ा से कोना कोला बढ़िया आंसूरे पासिंग हुई है क्या ना हैंड बॉल क्लीन हैंड बॉल हुई है क्या ना कोला बढ़िया नीतो हो ना सुजो को ना ताक पाजाना चेस्टा चला करना और ना पाए चेस्टा नोटे कोला बढ़िया पड़ा सिंह को ना माजोट खेलोड़िया है नौका के खेलोड़ ये लोगों बॉल किंतु क्या कहा अभी बॉल मार्डी लेके सेंटे ग्राउंड पास नोडे लेका पाटा मुन्ना पातो लेके सेंटे और ये ना पाए नोडे ड्रिबलिंग मुन्ना पातो रा साउथ इन जहाँ खेलों डिया लेका पाटा किंतु नोडे बॉल बाहर किन कंट्रोल डरे ना अलगा अपनी कहाँ करा नितो हो सुजो प्यारे करना नितो हो सुजो में ना का लेगा जगह ते बॉल के पास का बीमोल मार्डी लेके सिंते में खान बॉल स्लो था है करना नटू खालू डियर नितो हो दौड़ चला जुड़े में ना की ना मैं कहते हैं अलग रोल रे मुन्यर सागे की ना दही तला रे किन चेकर रे कंते खालू किन बॉडी चला नहीं था आर हमें दो जज़ों पड़ा सिर्फ ना आक्रमण ना चेष्टा नोटे ताहे के ना मुन्ना पात और पड़ा सिर्फ ना अड़ी ना पाई खलून किन्तु भी है मुन्ना पात और तीन इकली खुजो आप मुन्ना पात और लाहपाटा रे मिला किना बोल ला एरिया रे मिला किना ये ना उम्र हो गई है थोड़ा कम खेलने से इतने बहुत डेंजर खेल दो तो आर हमें दो ना पाई जाकर बोल के ले लीजिएगा तेरे को भी खेलना है क्या आटे के मोटे को है ये क्या आदिवासी जूनियर तो फुटबॉल से लगा है मंगा आर नोडे ऑफ टू चाबा उतरे के ना फुटबॉल चाहिए क्या।